हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स अपने मायके। चलिए फिर चलते हैं। आज मैं आपसे कुछ भी शेयर नहीं करूँगी, कुछ भी रूटीन शेयर नहीं करूँगी और ना खाने का। चलिए फिर चलते हैं मायके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मुझे कुछ काम है अपने मायके में, तो मैं और वेदांत से जाएंगे। सूर्यांश तो अपने स्कूल गया है, सूर्यांश नहीं जाएगा। चलिए फिर चलते हैं फ्रेंड्स। मैं और वेदांश ऑटो में बैठ गए थे। मैं मायके में रुकूंगी नहीं, शाम तक ही आ जाऊंगी। मैं घर पहुंच चुकी हूं। देखिए, मेरी फैमिली बैठी हुई है। वो मेरी बुआ जी हैं और मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी को तो आप जानते हो, ब्लॉक में आपने बहुत बार देखा है। और ये मेरे पास में ही बुआ जी रहती है, मेरे घर के पास में। तो वो आज रूम खाली कर रहे हैं, रेंट पर रहती थी। और वो मेरे सामने लेटे थे, फूफा जी थे और मेरा भाई था। फ्रेंड्स, मौसम आज बहुत ही अच्छा है, धूप नहीं निकली है। देखिए वेदांश की क्या शैतानी चल रही, सीढ़ियों पर से उतर रहा है तो डांस कर रहा है, और मैं बोलती हूँ नीचे आ जा तो छत पर भाग जाता है। चलिए चलते हैं। अब सिस्टर क्या कर रही है? सिस्टर अपनी स्टडी कर रही है, आप लोग देख सकते हो। वो अपनी क्लास ले रही थी तो वेदांश उसे भी परेशान करने आ जाता है। फिर मैं बुआ जी के घर चली जाती हूँ। मम्मी, मैं, फूफा जी और वेदांश बैठे हुए हैं। यही बुआ जी हैं जो रूम खाली करके जा रही हैं, और फूफा जी हैं वो। तो फ्रेंड्स, जब से मैं पैदा भी नहीं हुई थी, जब से यहीं रहती थी, आज वो खाली करके जा रही हैं। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। फ्रेंड्स, सब लोग बात कर रहे थे वेदांश की शैतानी चालू थी, तो मैं वेदांश को बाहर ले जाती हूँ। सारा सामान तो चला गया था बुआ जी का, एक अब ऑटो में थोड़ा बहुत रह गया है, वो जाएगा। कूलर है, ऐसा घर में थोड़ा बहुत सामान है, वो भी चला जाएगा। बुआ जी ने पास में ही रूम लिया है तो वहीं जा रही हैं। और बुआ जी पर एक ही बेटा है, जो ये ब्लू कलर की शर्ट पहना है, वही बेटा है। बस तीन लोग हैं फैमिली में और कोई नहीं है। और देखिए वेदांश कैसे खड़े होकर देख रहा है। फिर हम सब लोग उन्हें विदा करने आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था फ्रेंड्स, कहाँ हमारे साथ इतने दिन से रही, अब एकदम जा रही हैं। और रो भी रही थी बहुत ज़्यादा कि उन्हें दुख हो रहा था, मैं कहाँ रही इधर, अब मैं जा रही हूँ। तो बुआ जी तो ऑटो में बैठ के चली गई थी। फूफा जी और बुआ जी के जो बेटे थे वो एक्टिवा पर जाएंगे। अभी तक मेरे घर के पास रहती थी तो इतना अच्छा लगता था। मैं कभी भी मायके आती थी तो उनसे बिना मिले नहीं जाती थी। अब कभी भी आऊँगी तो वो नहीं होंगी। चलिए फिर चलते हैं घर। राशन आया था तो मम्मी उस चावल है वो डिब्बे में भर रही हैं, और मेरा भाई है वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, और मेरी सिस्टर है वो भी ट्यूशन पढ़ा रही है बच्चों को। तो देखिए, ये भी सिस्टर भी ट्यूशन पढ़ा रही है, और कुछ पेरेंट्स थे वो सिस्टर से बात कर रहे थे। सभी घर में अपना अपना काम कर रहे हैं। फिर शाम को चाय बना ली थी तो मैं और मम्मी चाय पियेंगे, पापा को भी मैंने दे दी, आप लोग भी पी लीजिए फ्रेंड्स। फिर शाम को बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, देखिए हल्की हल्की पड़ रही थी। मैं जब घर जाने की तैयारी कर रही थी जब ही बारिश पड़ना स्टार्ट हुई, ज़्यादा तेज़ नहीं थी और बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। बारिश होने के बाद हवा एकदम स्टार्ट हो गई थी और बारिश आ रही थी, जा रही थी। देखिए बादल भी कितने काले हो रहे हैं, फिर दोबारा बारिश पड़ेगी फ्रेंड्स। बारिश होना स्टार्ट हो गई थी तो मैं और वेदांश नीचे आ गए थे। नीचे आने के बाद एक हम नई चीज़ देखते हैं, दो बेचारे गरीब बच्चे आए थे, वो कुछ पैसे मांग रहे थे फ्रेंड्स। दो बहुत ही ज़्यादा दो छोटी छोटी बच्ची हैं, एक तो बहुत ही छोटी बच्ची है, एक साल की होगी, तो मैंने उन्हें कुछ पैसे दे दिए थे, कुछ खाना भी मांग रहे थे। तो फिर मम्मी ने उन्हें कच्चे चावल होते हैं तो वो दे दिए थे, बोला कि मम्मी को दे देना वो बना के खा लेंगे। तो मैंने पूछा कितने बहन भाई हो, तो बता रहे थे चार बहन हैं दो भाई हैं। तो फिर मैंने पूछा पढ़ने जाते हो, बोले नहीं पढ़ने नहीं जाते हैं। तो देखिए बारिश भी हो रही थी तो मैंने बोला बारिश में गीले हो जाओगे, अभी कहाँ जा रहे हो? तो अभी वो लोग सुनते नहीं हैं, चले जाते हैं। तो फिर मैं गेट तक छोड़ देती हूँ, मैंने बोला साइड से जाना बेटा, अच्छे से जाना। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो कितनी प्यारी सी बच्ची है छोटी सी। फ्रेंड्स, भगवान सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाता, किसी को गरीब किसी को अमीर, सबको एक जैसा बनाना चाहिए और घर मकान सबके लिए होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं घर जाने की तैयारी कर रही थी तो बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई थी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स। मेरा छोटा सा ही ब्लॉग है, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।